प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube एप। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत इंटरेस्टिंग पब्लिक रिएक्शन लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे कि जैसे कि आप जानते हैं, कुछ वक्त पहले भारत का जो चंद्रयान मिशन था वो बहुत ही ज्यादा कामयाब हुआ था, जिसकी चर्चा पूरे विश्व भर में हुई थी। तो उसके बाद अब पाकिस्तान ने भी अपना मून मिशन यानी कि अपना चांद पे मिशन भेज दिया, वो भी चाइना के कंधे पे चढ़ के। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे पाकिस्तानी जनता का बड़ा ही मजेदार रिएक्शन। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद जय भारत। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम है डॉक्टर सरखील सरचार। डॉक्टर, और आपका नाम? डॉक्टर उजैर। आपका नाम? डॉक्टर हारिस हाशमी। डॉक्टर अदनान अली। आज सभी मेरे साथ डॉक्टर मौजूद हैं, इसका मतलब है मेरे लिए शायद थोड़ा टफ टाइम होने वाला है, और खैर मजा भी आएगा बात करके, एजुकेटेड पॉइंट ऑफ व्यू हमें मिलेगा। सर, मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सबसे पहले मुझे बताएं, टेक्नोलॉजी में, चाहे वो मेडिकल की फील्ड हो या कोई भी फील्ड हो, टेक्नोलॉजी में हम हर चीज में चाइना के ऊपर क्यों मुंसलिक करते हैं? उसकी सपोर्ट के बगैर आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? उसकी वजह यह है कि बसियत कौम, हम एक सुस्त किस्म के कौम हैं, और हमेशा से हम मदद के लिए दूसरों की तरफ देखते हैं। हम आदतें हमारी ख़राब हुई हुई हैं, ठीक है। अच्छा। और हमें कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि जैसे हमारे जहनों में बिठा दी गई है बात कि हम खुद कुछ नहीं कर सकते, हम बैकवर्ड हैं, हम पीछे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हम हमेशा मदद के लिए हर चीज़ के लिए, यहाँ पे सैलाब आए, कोई भी चीज़ हो, कोई भी मसला हो, हम ये देखते हैं कि वहाँ से कितनी एड आएगी, हमें अमेरिका देख ले, हमें चाइना देख ले, हम खुद कुछ नहीं कर सकते। और यही बात हमारे नौजवानों के अंदर बिठा दी गई है। तो हमारे नौजवानों के अंदर अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करने की जरूरत है कि वो किसी से भी कम नहीं है और किसी से भी वो पीछे नहीं। जबरदस्त, ऐसे ही है। लेकिन आप कह रहे हैं सुस्त कौम है, हमें ये बताया गया, हम हमारे में तो जज्बा बहुत है, मतलब ये तो शुरू से हम सुनने में आता है कि पाकिस्तानियों में जज्बा बहुत है, आप कह रहे हैं जज्बा है। जज्बा और सुस्ती में फर्क है। अच्छा। जज्बा हो तो उसको प्रैक्टिकल करना जरूरी है, ठीक है। जज्बा है तो आपने क्या किया, आपने मुल्क के लिए कितनी तालीम हासिल की है, आपने कितने लोगों को एजुकेट किया है। जज्बा ये नहीं है कि यहाँ पे मैं जाके नारे लगा दूं पाकिस्तान जिंदाबाद। जज्बा ये है कि अगर मेरे में जज्बा है पाकिस्तान के लिए कुछ करने के लिए, मुझे अगर कुछ आता है तो मैं इनको बताऊं, मुझे कुछ आता है तो उनको बताऊं। इस वक्त हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, हम क्राइसिस से निकलना चाहते हैं, हम खुद भी तालीम हासिल करें और इर्द गिर्द सबको उससे रोशनास कराएं कि उनको बताएं कि हमारे लिए तालीम कितनी ज्यादा जरूरी है। अच्छा, हमने चाइना के साथ मिलकर एक सैटेलाइट मून पे भेजी, और अभी हमारे मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये चल रहा है कि बहुत बड़ी कामयाबी है, हमने तो इंडिया को भी पीछे छोड़ दिया, मतलब मेनस्ट्रीम मीडिया पर उनका एक चंद्रयान 3 गया और बहुत पूरी दुनिया ने उसको अप्रिशिएट किया। हमारा एक तो ये है कि इतना इंटरनेशनल लेवल पे कवरेज क्यों नहीं मिली, क्या वजह है, उस तरीके से मिशन नहीं था, और मेनस्ट्रीम मीडिया पे ये चल रहा है, सोशल मीडिया पे चल रहा है कि भाई क्या फायदा जब चाइना का ही सब, मतलब सारा सिस्टम था, टेक्नोलॉजी सारी चाइना की थी। वो एक होता है ना, जब कुछ ना हो तो कुछ होना बेहतर है, ठीक है, ठीक है। तो इसको हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। मसला सिर्फ ये है कि हम अपनी कामयाबियों को सेलिब्रेट ये नहीं करते, हम कुछ भी कर ले हम कहते हैं ये क्या किया हुआ, उन्होंने ये किया हुआ, हमने ये किया तो उन्होंने वो तो किया हुआ, तो ये क्या काम है। हमने ये बताना है, हम जो कर रहे हैं चाहे थोड़ा कर रहे हैं वो बहुत है, ठीक हो गया, बहुत है, इसको हम अप्रिशिएट करेंगे तो आप जैसे मेरे जैसे जो यूथ है, जो नौजवान है, वो क्या कहते हैं, वो एम्पावर होंगे, उनमें कॉन्फिडेंस है, मोटिवेट होंगे कि हम ये करेंगे, ये स्टेप से ये हो गया, इसमें इतनी अप्रिसिएशन मिली है, आगे अब हमने और मेहनत करनी है। डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे यही चीज के जो चाइना के साथ मिलकर खासतौर पर टेक्नोलॉजी में हम वर्क करते हैं, अभी एक सेटेलाइट मून पे भेजी और हमारे मीडिया पे ये चल रहा है कि भाई हमने भारत को पीछे छोड़ दिया, उनके चंद्रयान 3 गया, हम जो हमारी सेटेलाइट गई है वो उससे भी आगे चली गई है, या पता नहीं क्या क्या कुछ चल रहा है, क्या समझते हैं ऐसे मुकाबला बनता है? मतलब उन्होंने तो अपने बलबूते पे भेजी, उनका अपना सारा सिस्टम था, टेक्नोलॉजी उनकी अपनी थी, हमने चाइना के साथ मिलकर किया। पाकिस्तान का जो स्पेस प्रोग्राम है वो इंडिया के स्पेस प्रोग्राम से पहले का उसके स्पार्क को जो हमारी, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन हमारी जो अचीवमेंट्स हैं इंडिया की निस्बत, अगर हम खुद को इंडिया से कंपेयर कर ही रहे हैं, ठीक है, तो उसकी निस्बत कुछ भी नहीं है। इंडिया कॉन्ट्रैक्ट्स ले रहा है रशिया से, फ्रांस से, यूएसए से, ठीक है, और वो सैटेलाइट्स इन सारे मुल्कों की खुद लॉन्च कर रहे हैं। इवन ये इलॉन मस्क, उसने अपने कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं कि वो अपने स्टार लिंक की जो कुछ सैटेलाइट्स हैं वो इंडिया लॉन्च कर रहे हैं, ठीक हो गया। उसकी वजह ये है कि वो साइंस को प्रमोट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे साइंस को जो है ना उतना उस तरीके से प्रमोट नहीं किया जाता, उसकी रीजन क्या है, मतलब एजुकेशन का रीजन थोड़ा... ये हमारे जो साइंस साइंटिफिक हीरोज हैं, हमने उनको अभी तक एक्नॉलेज नहीं किया। हमारे अब्दुल कदीर खान है जिन्होंने एटम बम बनाया, और पूरे दुनिया में अब्दुल सलाम
अब्दुल सलाम जिनको वाहिद नोबेल प्राइज पाकिस्तान में जो साइंस में मिला, ठीक है, लेकिन उन्हें तो हम पाकिस्तानी क्या, उन्हें तो हम मानते ही नहीं कि वो हमारे हीरो हैं, जो हमें मतलब कंट्रोवर्शियल कर दिया जाता है ना रिलीजन को साइंस के साथ मिक्स करके, तो हमें अपने हीरोज नहीं अब बताया गया कि हमारे हीरोज कौन है, ठीक हो गया। तो मेरे ख्याल से तो ये बेसिक रीजन है। सर आप क्या कहना चाहेंगे इसी हवाले से, अगर एक पॉइंट आपसे लिया जाए, क्या वजह है कि एक तो ये कंपैरिजन हमारा बनता है टेक्नोलॉजी में इंडिया के साथ, और दूसरे नंबर पे जो हम चाइना के साथ मिलके काम करते हैं, क्या ये बेहतर होता कि अगर खुद अपने तौर पे करते? देखें जैसे डॉक्टर हारिस ने कहा, उन्होंने बड़ी वैलिड बात की है कि हम बोलते बहुत कुछ है लेकिन हम कुछ करना नहीं चाहते। करना चाहते हैं कर नहीं पाते शायद, क्या आप पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं करना चाहते? नहीं बिल्कुल ठीक है, देखें हम करना भी चाहें तो हमारी जो सोसाइटी है वो टांगे एक दूसरे की हम ज्यादा खींचते हैं, ठीक है, तो हम इस चीज से अगर बाहर निकलें सारे प्रैक्टिकली कुछ वर्क करेंगे तो फिर ही हम बेहतर हो सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा सर मुझे ये बताइएगा लास्ट में, बड़ा अच्छा लगा, देखें सर खास तौर पे अगर बात की जाए एजुकेटेड तबके की जो पाकिस्तान में होता है, तो जाहिर बात है ये देखने को मिलता है हम हमेशा गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं, जी गवर्नमेंट का ये काम है, गवर्नमेंट को ये चाहिए, गवर्नमेंट या फिर कुछ लोग अदारों ने ये कर दिया। मुझे बताएं गवर्नमेंट की क्या जिम्मेदारी है और आपकी और मेरी यानी पब्लिक की क्या जिम्मेदारी है? देखिये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करना और नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा करना, वो काफ़ी सारी जिम्मेदारियां हैं वो जो आपको भी पता है, और कोई भी गवर्नमेंट जो है ना 100% नहीं हो सकती, ठीक है। और दुनिया इस वक्त वैसे ही एक क्राइसिस से गुजर रही है, इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रही है, हम मानते हैं हालात मुश्किल हैं मगर वो सिर्फ यहाँ पे मुश्किल नहीं है, वो काफी जगहों पे मुश्किल है, ठीक है। और इस नहीं, लेकिन अगर आपने नेबरिंग कंट्रीज में देखें तो वहाँ पे तो इस तरीके से मुश्किलात हमें वहाँ नहीं पे, देखने वहाँ को पे देखें, वहाँ पे सबसे बड़ी चीज ये है कि वहाँ पे अगर मुश्किलात हैं तो वहाँ पे यूथ एम्पावर्ड है, वो एजुकेटेड है, वो हाली जब मुश्किल हालात होते हैं ना तो उन हालात से भागा नहीं जाता, उनका मुकाबला किया जाता है। इस वक्त हमारे नौजवानों अगर चाहते हैं कि इन हालात का मुकाबला करें तो वो अपने आप को एजुकेट करें, स्किल सीखें, अगर पढ़ सकते हैं पढ़ें, अगर सिर्फ स्किल सीख सकते हैं स्किल सीखें, और इर्द गिर्द के लोगों को एम्पावर करें, ठीक है। इसी तरह से एक से दो, दो से तीन, चार से पांच, एक चेन बनेगी, एम्पावर होंगे तो लोग ही पाकिस्तान है, अगर एक से दस होंगे, दस से सौ होंगे तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल तब ही बदले बेहतर होगा। एज ए डॉक्टर क्या कहना चाहेंगे मेडिकल फील्ड में हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की जैसे बात की मेडिकल की फील्ड में कहाँ हम स्टैंड कर रहे हैं, कहाँ पे नेबर कंट्री इंडिया स्टैंड कर रहे हैं? देखिये मेडिकल के अंदर अगर आप डॉक्टर्स की क्वालिटी के ऊपर बात करें तो उसमें तो कोई शक नहीं है हम दुनिया में किसी भी तरह से किसी से पीछे नहीं है, ठीक है। नहीं कॉम्पिटेंसी के लिए डाटा वाइज बात करें अगर इस तरीके से, मतलब वैसे तो मैं भी एज ए पाकिस्तानी यही कहूंगा कि पाकिस्तानी सबसे बेस्ट है, सबसे बेहतर है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ हमारे पास अगर देखा जाए तो सहूलियात हमारे पास नहीं है, ठीक है, ठीक है। इंडिया मेडिकल के शोबे में ऐसी ऐसी सर्जरीज कर रहा है जो अभी हम इसका तस्वुर भी नहीं कर सकते, इवन यहाँ से भी पेशेंट ट्रांसप्लांट के लिए वहाँ पे जाते हैं तो उसके लिए ये है कि उन्होंने इन्वेस्ट किया है शोबे में, ठीक है, बट उससे पहले उन्होंने वहां पे वो डॉक्टर्स पैदा किए हैं, ठीक हो गया, ठीक है। वो कैसे पैदा किए हैं, क्योंकि उन्होंने उसकी एक शोबे बनाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम मेडिकल के में शोबे में ना बहुत ज्यादा पीछे हैं, हमें मैन पावर की भी जरूरत है और लेटेस्ट इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसमें एक चीज ये भी देखने को मिलती है ना, लाइक आप डॉक्टर बने या आप डॉक्टर बने, आपने देखा आपको फॉरेन कंट्री में बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप सबसे पहले ये प्रेफर करेंगे कि मैं बाहर चला जाऊँ अपनी फैमिली को या खुद को थोड़ा सिक्योर कर लूँ जॉब वाइज या फाइनेंशियली, क्या वहाँ पे शायद ऐसा नहीं होता? नहीं देखें असल में बात यह है कि यहाँ पे हम सारे बैठे हैं, हमारे पास अभी भी अपॉर्चुनिटीज हैं कि हम बाहर चले जाएं, सम हाउ फॉर सम रीजंस दिल नहीं करता, अच्छा टू बी ऑनेस्ट दिल नहीं करता, हमें ऐसे लगता है कि यहाँ पे भी ऐसे भागना मुश्किल है, ठीक है, कुछ सोसाइटी के लिए या पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए वो इतना आसान नहीं है सबको छोड़ के जाना, हाँ। मगर अगर आप बात करें लाइफ स्टाइल की और लर्निंग की और लर्निंग एनवायरनमेंट की, वो यहाँ से बहुत ज्यादा बेहतर है, मतलब वहाँ पे बहुत ज्यादा बेहतर है, पेस भी बेहतर है, बट ये नहीं कह सकते कि सब कुछ ही वहाँ पे बेहतर है, यहाँ पे भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। सर आप कुछ कहना चाहेंगे, ये सारा जो हमारी डिस्कशन चल रही है इसको वाइंड अप आप किस तरीके से करेंगे, टेक्नोलॉजी में हमें क्यों सहारा चाइना का लेना पड़ता है, मतलब वो ऐसा तो नहीं है कि वो बहुत पहले से 1947, 1946, 1948 में उन्होंने सफर स्टार्ट किया, हमने भी 1947 में किया, आज हम जो उनसे हर चीज चाहे वो हमारी डिफेंस इक्विपमेंट्स हो, चाहे वो हमारी टेक्नोलॉजी स्पेस टेक्नोलॉजी हो, मेडिसिन हो, हम हर चीज में चाइना की तरफ देख रहे होते हैं। देखें बाकी सारे डॉक्टर साहबान ने सारा कुछ जैसे बताया है, मैं इसी को सम अप करूंगा, इसमें हमें खुद को इंडिविजुअल लेवल पे ना मेहनत करनी है। हमारे प्रोफेसर साहब कहते थे हम पाकिस्तान तकरीबन यूरोपियन कंट्री से 100 साल पीछे है, अच्छा इसका मतलब है हमें उनसे दो गुना ज्यादा काम करना है,
लेकिन आप देखेंगे कि हमारे जितने भी नौजवान या जितने भी लोग हैं वो काम नहीं करना चाहते। हमारा शायद माइंड सेट ये बन गया कि हम पीछे और पीछे रहेंगे, मतलब वो तो है ही बहुत आगे, यूरोप बहुत आगे है। अब तो हम ये भी सोचते हैं कि इंडिया बहुत, नो डाउट है आगे, चाइना आगे है, इंडिया आगे, लेकिन हमें भी तो मेहनत करनी है। तो लिहाजा हमें उनके बराबर आने के लिए उनसे डबल काम करना है। आप ये सोच रहे, एक बंदा जो 12 घंटे काम करता है, एक बंदा 6 घंटे काम करता है, वो बंदा उसी लाइफ टाइम में उससे 2 जिंदगियां ज्यादा काम कर सकता है। ठीक हो गया। तो इसमें यही है कि हर बंदे से जितना ज्यादा सकती है मेहनत करे। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात कर। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह ये पब्लिक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा, क्योंकि जो शोएब चौधरी के पब्लिक रिएक्शन होते हैं वो हमेशा ही लाजवाब होते हैं। उनके सवाल पूछने का तरीका बहुत ही लाजवाब था। और दूसरी ओर हमने देखा आज चारों तरफ उनके डॉक्टर्स बैठे थे तो जवाब भी थोड़े बेहतर आए। आपने देखा पाकिस्तानी यूथ वो फिर भी थोड़ा बहुत आगे पढ़ने की कोशिश करिए, पर ज्यादातर हम जानते हैं कि पाकिस्तानियों का जो दिमाग है वो जिहादी है। पर हम बात करें इस मिशन के बारे में तो अब देखते हैं, भारत का मिशन तो साउथ पोल तक पहुंच गया था, अब पाकिस्तानी जो चाइना के कंधे पे चढ़ के इस मिशन को भेज रहे हैं उनका जो मिशन है वो कहां तक पहुंच पाता है। तो इसके बारे में आपके क्या विचार है, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार पब्लिक रिएक्शंस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।